क्या होता है, हर समय काम काम काम, कितना काम भी करेगा उन लोगों को भी अच्छा नहीं, फिर भी हमको भोजन के लिए भी समय नहीं मिलता है। अभी हम एक मूवी आया, मूवी केरला में एक मूवी आया, एक व्यक्ति उधर मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया में जाके अच्छा काम मिलेगा करके सोच के गया, लेकिन उसके बाद दूसरे आदमी उसको पकड़ के गया, उसका अरबाब नहीं है, दूसरे व्यक्ति आके, इन लोगों को भाषा नहीं आते थे, अरबिक भाषा नहीं आते थे, वो दूसरे लोग आके उन लोगों को वो अरबाब पकड़ के उधर डेसर्ट में गया। उधर क्या बकरी को देखने, ये भेड़ों को चराने का काम मिला, पानी भी नहीं मिलते, भोजन भी नहीं मिलते, पानी भी रेशन है, पानी भी उधर हमको नो मालूम है, ये डेसर्ट में, वो उधर डेसर्ट को हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं है। ओके, हालेलुया हालेलुया, पानी भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते, गुलामी जैसे है, बाहर भी किधर भी नहीं जा सकते, ऐसे इसराइली लोग मिस्र देश में वो गुलामी रहते, हालेलुया हालेलुया, बहुत तकलीफ में, जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हमारे जीवन में किसी व्यक्ति का गुलामी होते है और तकलीफ होते है, हम क्या करेगा, रोना शुरू करेगा, हम रोते, ठीक है ना। अगर तुम्हारा पति थोड़ा थप्पड़ मारते, हर दिन शराब पी के आके क्या करते, थप्पड़ मारते, क्या करेगा, रोते, क्या करेगा, इसको झगड़ा करेगा तो फिर भी मिलेगा, हाँ फिर भी मारेगा, हाँ। इसलिए कुछ लोग ऐसा रोते रोते, ये इसी समय में इन लोग अभी रोना शुरू किया, इसराइली लोग रोना शुरू किया, उन लोगों का रोदन कहां पहुंच गया, किसके पास, ईश्वर के पास पहुंच गया, हालेलुया। हम जो एक छोटा छोटा प्रार्थना करते, हम जब रोते थोड़ा थोड़ा रोते, वो कहां पहुंचते, ईश्वर देखते, हालेलुया हालेलुया, ईश्वर सब कुछ देखते, हम क्या करते वो उसके उससे हमको दूर नहीं रख सकते, ईश्वर हम सबको प्यार करते, हम सबको प्यार करते, हालेलुया। इसलिए इसको जब हम रोते वो हमारा सहायता के लिए आते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिस्री लोग के गुलामी में इसराइल लोग रोते थे, उसी समय ईश्वर उन लोगों को छुटकारा देने के लिए सोचा, हालेलुया हालेलुया, छुटकारा देने के बारे में सोचा। इसलिए छुटकारा देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया, किसको चुन लिया, मूसा को चुन लिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मूसा को चुन लिया। हमको भी प्रभु मूसा जैसे चुना हुआ, इसलिए हमें इस दुनिया में भेजा है, हालेलुया। हमारा कुछ काम करना, ईश्वर कुछ काम करने के लिए खाना पी के सोके और ऐसा कुछ मूवी देख के ऐसा रखने वाला लोग नहीं है। हमारा कुछ काम करने के लिए, वो ईश्वर का कुछ काम करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, हालेलुया 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 हालेलुया। कौन सा काम, जो बंधन में है, जो लोग बंधन में रहते हैं, जो लोग गुलामी में रहते हैं, उन लोगों को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर ने हमको चुना, हालेलुया। मुझे भी ऐसा चुना, हालेलुया 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 हालेलुया। एक दिन मैं, मुझे बहुत बार ईश्वर ने ऐसा ऐसा मुझे दिखाया, मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा, हालेलुया हालेलुया। देखो, मेरा परिवार में उन लोग प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार लोग प्रार्थना करते थे, हालेलुया। उन लोगों को तकलीफ है, जैसे तुम्हारा फैमिली, हमारा सब परिवार में थोड़ा थोड़ा तकलीफ है, ठीक है ना, हालेलुया। मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, बहुत शराब पीते थे, शराब पी के झगड़ा करते थे घर में,
वो बहुत बड़ा भाई शराबी था। हालेलुया, देखो ये जो इधर बैठते हैं ना, वो 40 सिगारा पीते थे, 40 सिगारा हर दिन है? वो भी गुलामी में था। जो लोग शराब पीते और सिगारा और तंबाका और खर्रा, उसका बंधन में है, गुलामी में है। हमारे हर परिवार में कुछ लोग शैतान का बंधन में भी है। शैतान, ये सब पापों के पीछे कौन है? शैतान है। इसलिए शैतान को जो लोग पाप करते हैं वो पाप का दास है, वजन बोलते हैं। जो लोग पाप करते हैं वो पाप का दास है। अगर यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अगर यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हर परिवार यीशु में ऐसा चुन ले, मेरे परिवार से भी मुझे चुन लिया, परिवार में भी शैतान का काम चलते। देखो तुम लोगों का परिवार में भी शैतान का काम, कुछ कुछ परिवार में शैतान का काम ज्यादा है, ठीक है ना? नहीं बोलते लेकिन है, मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काम से मुक्त करने के लिए ईश्वर का इच्छा है, इसलिए हमारा काम भी है। हम भी उसमें, हमारा जो काम करने के लिए भी हमें चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखो, मैं जब थियोलॉजी का पढ़ाई करते थे, थियोलॉजी फादर बनने के लिए थियोलॉजी करने का पढ़ाई करते थे, अफ्रीका में था मैं, 17 साल अफ्रीका में था मैं। उधर थियोलॉजी पढ़ाई के समय में मैं देखा सपना में बहुत चीज़ दिखाते थे प्रभु परमेश्वर ने मेरे, मुझे सपना में मैं देखा ये मैं एक कमरे में बंधन में था, एक कमरे में, इस कमरे से, ये बंधन से मुझे छुटकारा मिला। हालेलुया, मुझे छुटकारा मिला, ये बंधन से मुझे छुटकारा मिला। मैं बाहर जाता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ मैं रास्ता पर पहुँच गया, रास्ता में मैं देखा दो लोग लड़ाई करते, दो लोग लड़ाई करते, एक व्यक्ति पत्थर पत्थर से दूसरों का सिर में मारते, सिर से खून भी बहाते, रक्त निकल जाते। मैं देखा इन लोग क्यों झगड़ा करते, इन लोगों को थोड़ा सहायता करने का जरूरत है। मैं उन लोगों को ये लड़ाई से स्वतंत्र करने के लिए मैं आगे जाते, मैं सुना उन लोगों को स्वतंत्र करो, मैं सुना, ईश्वर ने मुझे बोला सेट देम फ्री, सेट देम फ्री, वही शब्द मैं सुना, अंग्रेजी में सुना, उन लोगों को स्वतंत्र करो और मुक्त करो। हालेलुया, जो लोग पाप में रहते, ऐसा ऐसा बुरी बातों में रहते, उन लोग मुक्ति, उन लोग गुलामी है, शैतान का बंधन में है। हालेलुया, अगर ईश्वर है, ईश्वर के विरुद्ध कौन है? शैतान भी है, ईश्वर है उसके विरुद्ध कौन है? इसलिए हम लोग प्रार्थना करने का इच्छा है, प्रार्थना नहीं कर सकते। खड़े हो जा, खड़े हो जा तुम लोग, तुम ये उस व्यक्ति, क्या नाम है उसका, ये तुमको बोला, तुम्हें बोला, खड़े हो जा। हालेलुया, तुम बोला कल है ना, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं सकते है ना, तुमने बोला और दूसरे किसी ने बोला, हाँ उसी ने बोला प्रार्थना करना। ये बैठो, हम लोग को प्रार्थना करने का इच्छा है लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया, क्यों? ये लड़ाई है, युद्ध में हम विजयी करेगा तो हमको कर सकते। हालेलुया, इसको भी ऐसा तकलीफ दा ना बगले, भाषा नहीं आता लेकिन समझ में आते ना। हालेलुया, ये शैतान क्या करते है, हमको प्रार्थना भी नहीं करने से हमको क्या करते है, रुकावट करते। हालेलुया, इसलिए हमको क्या चाहिए, उसके ऊपर शक्ति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं देखा उन लोग दोनों लड़ाई करते, वो पत्थर से सिर्फ पीछे वाला लोग, वो आखिरी बंच तुम लोगों को बोलते दोनों इधर अच्छी तरह सुनना। हालेलुया हालेलुया। स्कूल में भी आखिरी बंच लोग है, इधर उधर देख के बैठेगा, लेकिन वो प्रोफेसर को सबको देख सकते हैं। तुम कुछ भी करेगा प्रोफेसर को सबको देख सकते। हालेलुया हालेलुया। मैं भी अब आखिरी बंच में था दसवां क्लास में, लेकिन मैं अच्छी तरह पढ़ाई किया था। हालेलुया हालेलुया। मैं उस समय थोड़ा बड़ा था क्लास में, लंबा हो गया जल्दी, इसलिए मुझे आखिरी पंच मिला था। हालेलुया। लेकिन ईश्वर के वरदान से अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। हालेलुया। ये सबको प्रभु का वरदान है, प्रभु को मालूम है। क्या मैं इधर आके सेवा करूंगा कितना साल पहले, उसको मालूम। मेरे जन्म के पहले भी उसको क्या मालूम मैं कहाँ गए जाएगा, अफ्रीका में जाएगा, इधर भी आएगा, बल्लारश्रम में आएगा, उसका प्लान है, योजना है। हालेलुया। हम सबों के बारे में ईश्वर का योजना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का मास्टर प्लान है, हम कुछ सोचते हैं, लेकिन ईश्वर का योजना है हम सबों के बारे में ईश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपके बारे में, मुझे एक अच्छा योजना है, अच्छा योजना है, मुझे मालूम है। ये यिर्मयाह का ग्रंथ 29 11 से 13 तक, यिर्मयाह का ग्रंथ 29 11 से 13 तक, किसी ने पढ़ो, बाइबल है तो जल्दी पढ़ो। हालेलुया। ओके, जब मिलते बोलो, मैं आपको समय देगा बोलने। हालेलुया। ईश्वर का योजना देखो, मैं ऐसा हिंदी जगह में नहीं रहा, हिंदी लोगों के साथ नहीं रहा। 17 साल अफ्रीका में सेवा करते थे, उधर से इधर आया। अभी कैसे मुझे हिंदी में प्रवचन कर सके, अभी एक साल तो नहीं पहुंच गए इधर आके, एक साल तो नहीं हो गया। हालेलुया। कैसे कर सकते, ये प्रभु का योजना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे पढ़ाई के बारे में बोला, जब मैं अच्छी तरह स्कूल में पढ़ते थे दसवां क्लास तक हिंदी पढ़ते थे, अच्छी तरह पढ़ते थे, जो पढ़ा ये अंदर है, जब चाहते वो बाहर निकलते। हालेलुया। वही भी वरदान, क्यों मुझे अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, ईश्वर का योजना है, बाद में भी मुझे भी इसका जरूरत है। हालेलुया। जब मैं अफ्रीका में थे बहुत साल पहले, उसी समय एक दिन इन सपना में देखा, मुझे एक हिंदी बाइबल दिया है, एक व्यक्ति आया, तुम जैसे एक व्यक्ति आया, हिंदी बाइबल खोल के मुझे पूछते हैं इसका मतलब क्या है, हिंदी बाइबल लाके पूछते हैं इसका मतलब क्या है। हालेलुया। उसी समय मुझे समझ में आया, एक दिन मैं हिंदी जगह में भी जाने का। हालेलुया। इस दिन के लिए मैं इंतजार करता था, प्रभु का योजना है, मैं इधर आएगा और कोई हिंदी जगह में आके प्रवचन करेगा, प्रभु का योजना है, मुझे समझ में आया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, हम ऐसा तो नहीं आया, प्रभु हमें भेजा है, हम जहां है उधर प्रभु हमें, जहां तुम जन्म हुआ उधर प्रभु तुम्हें। हालेलुया। कौन सा परिवार में हमारा जन्म हुआ उधर प्रभु हमें। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे सुसमाचार उन लोगों को देगा, वो लोग बंधन में है। इसलिए जो दो जन झगड़ा करते लड़ाई करते, उसी समय
ईश्वर ने बोला उन लोगों को छुटकारा देना, उन लोगों को स्वतंत्र करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हम सबको चुनाया। जो लोग आज इधर आया, सबसे पहले तुम लोगों को परिवार परिवार को छुटकारा देने के लिए। कुछ लोग तो विश्वास नहीं करते परिवार में, कुछ लोग तो विश्वास वो बंधन में है। चर्च में आएगा बोला तो नहीं आते, ठीक है ना? किसके लिए, क्या करने के लिए तुम उधर जाते? हाँ, डिवाइन में किसके लिए जाते? क्या फायदा है? कुछ पैसा मिलते हैं क्या? और उस समय तुम जाके थोड़ा खेत में काम करो और दूसरा कुछ काम करो। हालेलुया, ऐसा बोलने वाला वो लोग का ईश्वर कौन है? पैसा, पैसा। कुछ लोगों का ईश्वर क्या है? पैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? वो शैतान का बंधन। पैसा भी क्या है? जो लोग ईश्वर के ऊपर पैसा को प्यार करते वो बंधन में है, शैतान का बंधन में है। किसी चीज को ईश्वर के ऊपर हम हमारे दिल में रखेगा तो हम बंधन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परिवार भी बंधन में होते हैं और हमारे परिवार को छुटकारा मिलना। किसी लोग ईश्वर के ऊपर किसी चीज को, व्यक्ति को और कुछ कुछ चीज को आराधना करते वही बंधन में है। हालेलुया। कुछ लोग तंत्र मंत्र करते, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र और जादू करते, जादू इसको क्या बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा बांधा है चीज, चाहे इधर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, लोग ऐसा रेखा है। कुछ एक व्यक्ति इधर आया, मैं उसको बोला वो तुम्हारे एक बंधन है, शैतान का बंधन है, वो दे दो। मैं उसने दिया, मैं आशीष प्रार्थना किया, इसके बाद में मुझे वापस, मैं नदी में डालूंगा, मैं नदी में, तुम वापस दे दो करके बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार 10:10 बोलते हैं, योहन का सुसमाचार 10:10 बोलते हैं, चोर आते हैं किसके लिए? चोर आते हैं किसके लिए? चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए। चोर आते हैं किसके लिए? चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए, नष्ट करने के। चोर कौन है? चोर कौन है? कौन है चोर? शैतान। हाँ, आप मालूम है, जब हम तंत्र मंत्र के लिए जाते हैं, ये अभी कैटेकिस्ट लोग है, लेकिन मैं देखा कुछ कैटेकिस्ट लोग भी ये करते हैं, दूसरों को यीशु के बारे में बोलते हैं, लेकिन बाद में रात में किसी को नहीं दे, ऐसा जाके आप बांध के आते। ओ, यीशु के बारे में बोल सकते, लेकिन इसके बिना कुछ लोग बोलते ये रखेगा तो क्या होता है? संरक्षण मिलते है यीशु के ऊपर, शैतान में विश्वास करते, भरोसा रखते। इसलिए वो हिंदू लोग है, वो लोग आया, हिंदू लोग आया, वो उसको मैं बोला ये छोड़ दो, प्रभु बोलते ये छोड़ दो, ये ताबित छोड़ दो। वो मैं इसका किया, इसका निर्वीर किया, वो उसका शक्ति तो जो कुछ मैं पवित्र जे पानी से, लेकिन उसको वापस जाने में मुझे तो हम डालेगा, क्यों? उधर घर में जाएगा, मम्मी पकड़ेगा, मम्मी, मम्मी ने दिया एक चीज, माँ, मम्मी, हाँ माँ, माँ ने दिया। देखो, शैतान में भरोसा रखने वाला लोग कैटेकिस्ट में भी है, इसमें भी है। इसलिए मैं बोलता हूं सब छोड़ देना, क्यों? ये 10:10 योहन का 10:10 क्या बोलते हैं? शैतान आते हैं चुराने के लिए, मार डालने के लिए और नष्ट कर। जो लोग ऐसा शैतान का सेवा करते उनका परिवार में शीघ्र मरण होते, मरण, मरण। क्यों? शैतान किसके लिए आता है? मार डालने के लिए। आत्महत्या होते, आत्महत्या। और पागल लोग भी ज्यादा होते, पागल,
वो शैतान का किसके लिए, वो पूरा शंका होते मन में, पागल भी होते लोग, इसमें तो फायदा तो नहीं होता, झगड़ा पूरा झगड़ा है घर में, शांति तो नहीं है। शैतान किसके लिए, शांति नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा करके सोचा। कुछ लोग बोला तुम ये रखो पैसा मिलेगा करके। मैं देखा अफ्रीका में एक व्यक्ति आया, उसने बोला फादर जी मैं बहुत पैसा खर्चा करके एक ताबीत लिया, मुझे दिखाया, अभी तो आशीष तो नहीं मिलते। हालेलुया 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 हालेलुया। जल्दी समय जल्दी बहुत, जो कुछ मैं बोलना हो दूसरे रास्ते में जाते। हालेलुया हालेलुया। वो मैं बोला तुम ये समर्पण करो उसका, मैं छुटकारा दिया। वो मैं खोल के देखा क्या है इसके अंदर, क्या है उसमें, अरबिक लेटर, अरबिक में कुछ कुछ लिखा है। बहुत पैसा खर्चा करके उसने खरीद किया, बहुत पैसा खर्चा करके वो छोड़ के। मैं बोला तुम छोड़ दो, इसके बाद इधर आके शिविर में प्रार्थना करो, तुम्हारा आशीष आएगा। वो छोड़ के शिविर में फिर भी प्रार्थना के लिए आया, उसका आशीष मिला, एक अच्छा जो काम मिला, वो रखा काम मिलेगा करके सोचे, कुछ भी नहीं आया। ये छोड़ के ईश्वर में भरोसा करके प्रार्थना शुरू किया, उसको आशीष मिला। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का क्या काम है, ईश्वर कैसा काम करते, ईश्वर वचन के द्वारा काम करते। ईश्वर किसके द्वारा, वचन के द्वारा हमको आशीष मिलती। हमारा जो तकलीफ है परेशानी है, इसमें हमको इसमें से मुक्त होने के लिए ईश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। हम क्या देखना, हमको कुछ तकलीफ है परेशानी है हमारे परिवार में, हम पहले क्या देखना, ईश्वर का वचन के लिए ढूंढना, ईश्वर का वचन। जब वचन मिलेगा बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वचन कहाँ से मिलते, डिवेन में भी आना, डिवेन वजन आश्रम में। इसको क्या बोलते हैं, डिवेन वजन। हाँ, वजन मिलने के लिए डिवेन में आओ। शनिवार का हमारा प्रार्थना है, हर शनिवार। मैं अभी सोचते वो प्रोग्राम तेलुगु हिंदी मराठी तीन भाषा में रखने के चिंता आते मेरे मन में। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम लोग खुशी होते, खुशी नहीं होते, क्यों हम ताली नहीं बजाते। हालेलुया। कुछ सुवार्ता सुनने में हम क्या करना, हालेलुया हालेलुया। वो तीन भाषा में शुरू करने का योजना है, मराठी लोगों को मराठी में सुनना और तेलुगु लोगों को तेलुगु में और हिंदी लोगों को हालेलुया और अंग्रेजी वालों को सब कुछ करने का इच्छा है। अगले महीने में अंग्रेजी में भी रिट्रीट रखा है, अगले महीने में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए देखो आप लोगों का आशीष मिलने के जगह है डिवाइन वजन, लेकिन लोग नहीं आते। शैतान बंद करके रखा है, तुम नहीं जाओ नहीं जाओ, शैतान बंद करके रखा है नहीं जाओ बोलते। ओ शैतान के ऊपर विजय करके हम इधर आना, दूसरों को भी लाना। हालेलुया हालेलुया। हमारा परिवार का भी छुटकारा मिलेगा, इधर आके वचन सुनेगा। जो इधर बहुत लोग इधर आके अभी बहुत दूर से, इधर नस्तिक वाला शिविर को नहीं आते, बहुत दूर से आते, उन लोगों को मालूम है क्या मिलते। वासा पारिश से 40-30 लोग आते, इधर नस्तिक वाला कोई तो नहीं आते। क्यों, उन लोगों को ये ऐसा बोलते हैं, जो हमारा पौधा जास्मिन का सुगंध नस्तिक लोगों को नहीं मिलते, दूर लोगों को। ऐसा एक प्रवर्ब है। हालेलुया। आप लोग ये इधर बहुत लोग आके आशीष मिलते, छुटकारा मिलते, वो शराबी से छोड़ देते, नशा छोड़ देते, वो शैतान का काम भी छोड़ देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने इस जगह को चुन लिया, लेकिन इसलिए हम लोग इधर आना, हमारे परिवार के साथ परिवारों को भी लाना, इधर आके दूसरे व्यक्तियों को भी लाना। अभी जो लोग आते हैं बहुत हिंदू लोग है, आप लोग सब लोग कैथोलिक है, इधर हिंदू लोग से ज्यादा आते हैं, कैथोलिक छोड़ दिया। ऐसा वजन में लिखा है क्या,
यहूदी लोग छोड़ दिया, इसलिए मैं कहा यहूदी लोग छोड़ दिए इसलिए मैं दूसरा जन को पास जाते। हालेलुया। जब तुम लोग नहीं आया जाएगा इधर पूरा ओ सारे दूसरे धर्म का लोग को भी आशीष मिलते, इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा परिवार के लिए भी जगह चुन लिया। क्या करना, आप हमको कुछ फायदा नहीं है, हम पैसा मुफ्त में पूरा हमारा शिविर करते मुफ्त में, डिवेन का सारा रिट्रीट, हमारे पास तो पैसा इतना तो नहीं है, लेकिन अभी ईश्वर का वरदान से हमको सारा शिविर मुफ्त में करने का क्या मिला, वरदान मिला। हालेलुया, ईश्वर ने सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है ये वचन बोलते संत मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसके धार्मिकता खोज में लगे रहो और सभी चीजों वो ही यू ही मिल जाएंगे। हालेलुया, ये है मेरा विश्वास। हालेलुया, मैं ये वचन में बहुत विश्वास करता हूं। संत मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता में खोज में लगे रहो और सब कुछ यू ही विश्वास करो। मैं इससे विश्वास करते। हालेलुया, पहले पैसा को नहीं देखते, पैसा के बारे में नहीं देखते। ये देखो हमारा सब चौकाड़ा था तो लोगों को देते थे, ये शिविर में आते देते थे, उन लोग चोरी करके गया, अभी 30 बाकी है, 30, फिर भी हम ये सेवा करते मुफ्त में दे दे ले, इधर आके कुछ लोग चोरी करने के लिए भी आते, शैतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग ईश्वर हमें इधर बुलाया, इधर हमारे परिवार का छुटकारा मिलने के लिए ईश्वर ने चुनाया, इसलिए हम लोग ये ईश्वर ने मुझे ये दिखाया। क्या दिखाया, ये दो लोग झगड़ा करते, लड़ाई करते, वो खून बहाते, उस समय ईश्वर ने बोला उन लोग को क्या करना, स्वतंत्र करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र करना हमारा कैसे, सबसे पहले हम स्वतंत्र हो जाना। क्या करना, मैं बोला ना, मैं उस सपना में मैं देखा, मैं एक कमरे में बंधन में था, लेकिन ये कमरे से मुझे छुटकारा स्वतंत्रता मिला। वो बाहर जाते, सबसे पहले हमको क्या मिलना, क्या मिलना, छुटकारा मिलना। हालेलुया, अगर हम जब शिविर में भाग लेते हमको छुटकारा मिलते, बहुत लोग को छुटकारा मिलते, इधर आके वो शराब से, शराबी से छुटकारा मिलते और नशा छोड़ देते और खरा छोड़ देते, वो सारे बुरी चीज़ों छोड़ देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जाके दूसरे लोगों को भी बोलना, ये हम डिवाइन में जाना। ये मैं बोला ना, हमारे एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या देखना, सबसे पहले क्या देखना, मैं अभी बोला था, हाँ ईश्वर के राज और इसके पहले मैं बोला था, दूसरा बात बोला था, याद में है क्या, हमारे परेशानी में तकलीफ में हम क्या देखना, ईश्वर का वचन। हालेलुया, क्या देखना, वचन। हालेलुया, हालेलुया। ये इधर हम वचन देते, आप लोगों को वचन देते, वचन से वो हमारा आशीष मिलते। एक मैं जब अफ्रीका में उगांडा में उधर सेवा करते थे, उसी समय बहुत दूर से वो राज्य का, हम एक कोने में, वो राज्य का दूसरे कोने से एक व्यक्ति शिविर के लिए आते थे। हालेलुया, हालेलुया, बहुत दूर से
शिविर के लिए आते थे। वो लोग उनको बोला, क्यों इतना दूर जाते, इतना दूर जाने में क्या फायदा होते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने आया, बहुत लोग उसको रुकावट करने के लिए कोशिश किया। हालेलुया, लेकिन उसने आया। 6 साल में उसको कुछ काम तो नहीं था, 6 साल में। हालेलुया, हालेलुया। 6 साल में काम तो नहीं था, लेकिन इस शिविर में भाग लेने के बाद एक अच्छा काम मिला। वचन सुना, 2-3 शिविर में आया, उसको अच्छा काम मिला। कितना? 1 महीने में 3 लाख, 3 लाख साल पगार मिलते, 3 लाख। हालेलुया। जब हम वचन सुनते, वचन से हमारा परिवार को भी आशीष मिलते, हमारा परिवार को भी छुटकारा मिलते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मैं बोला, शैतान के बंधन से हमारे परिवार में लोगों को और हमारे पड़ोसी लोगों को शैतान का बंधन से मुक्ति देने के लिए प्रभु हमके चुन लिया। इसलिए वो ईश्वर ने मुझे बोला, उन लोगों को क्या करना, स्वतंत्र करना, जो पाप में और कुछ ऐसा रहते उन लोगों को स्वतंत्रता मिलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, मैं बोला प्रभु मूसा को चुन लिया, पहले से मैं बोला क्या, मूसा को चुन लिया, वो मिस्री देश से इसराइली लोगों को स्वतंत्र करने के लिए। वो हमको भी प्रभु हमारे परिवार से चुन लिया, हमारे परिवार को, पड़ोसी लोगों को मुक्त करने के लिए। लेकिन हमारे जन्म इस दुनिया में कैसे हो गया, वो बहुत लोगों का रोदन का उत्तर है। हम बहुत लोगों का रोदन का उत्तर है। बहुत मेरा परिवार से बहुत लोग प्रार्थना किया, उसका उत्तर है मैं इस दुनिया में आया। तुम लोग, तुम्हारे परिवार में भी बहुत लोगों का रोदन का उत्तर है हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का सेवा करने के लिए ईश्वर ने हमको चुन लिया। हम क्या करना, हम दूसरों को यीशु के बारे में जाके बोलना, हम लज्जा नहीं होना, शर्म नहीं होना, हम जाके दूसरों को यीशु के बारे में बोलना, वैसा सुसमाचार सुनने में उन लोगों को छुटकारा मिलती। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी ईश्वर देखता है, ईश्वर देखता है कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरा सुसमाचार उन लोगों को देगा। बहुत लोग बंधन में है, बहुत लोग उनके पाप में मरते। देखो, मैं मेरा एक मेरे मुझे यीशु ने चुना। कैसे चुना? मैं कभी भी एक पुरोहित बनने के लिए ऐसा तो योजना मेरे मन में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा योजना, मेरे मन में क्या प्लान था, मुझे जल्दी एक काम मिलना। इसलिए मेरे 10वां क्लास के बाद में डिप्लोमा करने के लिए गया, डिप्लोमा। हालेलुया, 3 साल का डिप्लोमा करने के लिए गया। लेकिन प्रभु की योजना दूसरा था। एक बार मुझे बुखार हुआ, बुखार से मुझे बैठ नहीं सकते और उधर सो नहीं सकते, चल नहीं सकते, बहुत तकलीफ परेशानी में चलते। लेकिन उसी समय मैं प्रार्थना करने का इच्छा हो गया, एक गीत गा के प्रार्थना किया। इसके बाद में मुझे एक मन में एक चिंता मिला, तुम वजन खोल के पढ़ो, वजन खोल के पढ़ो। मैं वजन खोला, उस समय मैं वजन पढ़ा, मुझे चंगा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा मैं चंगा हो गई, मेरे पूरा बुखार निकल गया। वो वचन मुझे बहुत स्पर्श किया, मैं रोना शुरू किया। वो वचन मुझे इतना स्पर्श किया, मैं रोना शुरू किया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे समझ में आया जो मैं अभी ये बाइबल में पढ़ते ईश्वर मुझे बात करते, ईश्वर मुझे बात करते जो मैं पढ़ता हूँ। अभी आगे पढ़ने में यिर्मयाह का ग्रंथ 16:2 में पढ़ा, यिर्मयाह का ग्रंथ 16:2 में पढ़ा, तुम शादी नहीं करो तुम्हारे लिए बच्चों भी नहीं होना, तुम शादी नहीं करो तुम्हें बच्चों भी नहीं होना। मैं क्या सोचा ये ऐसा लोग कौन है, शादी नहीं करते बच्चों भी नहीं है, ऐसा सोच। अभी मैं सोचा मैं पुरोहित बनने के लिए ईश्वर मुझे बुलाते हैं क्या? लेकिन इतना जल्दी मैं अभी डिप्लोमा करते थे, मैं सोचा पहले डिप्लोमा पूरा करेगा इसके बाद में जाएगा। हालेलुया। मैं योना जैसे, योना को ईश्वर ने बोला तुम निनवे जाके सुसमाचार का प्रचार करो, बोला निनवे जाके। लेकिन योना क्या बोला, निनवे में नहीं जाएगा तार्शिश जाए। हम भी ऐसा है, उसी जगह में जाएगा तो उन लोगों को बहुत तकलीफ देगा, उधर तो नहीं है, वो आसान लोगों के साथ जाके थोड़ा थोड़ा बोलेगा, वो मार डालेगा तो क्या करेगा। हालेलुया। हम ईश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार होना। हालेलुया हालेलुया। अगर हमारे विरुद्ध कुछ अत्याचार और कुछ लोग हम मार डालने के लिए आते, वो तुम्हारा विश्वास छोड़ देगा करके पूछेगा, हम कभी उसको विरुद्ध नहीं बोलना, ईश्वर को नहीं छोड़ देना, यीशु के लिए मरने के लिए भी हम तैयार होना। हालेलुया 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 हालेलुया। योना दूसरे जगह गया, लेकिन योना का जीवन में परेशानी हो गया, वो जो नाव में चलते थे नाव में क्या हो गया, नाव में तूफान हो गया। हालेलुया। जब हम ईश्वर से दूर जाते, ईश्वर के रास्ता छोड़ दे के दूर दूसरा रास्ता जाते, ईश्वर थोड़ा थोड़ा तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में भेजते, बोलो वापस आओ वापस आओ। मैं भी ऐसा गया, मैं क्या सोचा दुबई जाके काम करेगा, ईश्वर ने मैं बुलाया, मैं सोचा दुबई जाके उधर काम करेगा करके सोचा। हालेलुया। मैं दुबई गया पुरोहित बनने के, मैं सोचा मैं अच्छा नहीं उसके लिए, मुझे नहीं कर सकते, वो दूसरा कुछ करेगा इसे करके सोचे, थोड़ा पैसा कमा के वापस आके प्रभु का सेवा करेगा करके सोच के मैं दुबई गया। दुबई जब मैं दुबई पहुंच गया, उसी समय सपना में यीशु ने दिखाया, मैं एक जगह ऐसा जाते, वो पहाड़ जैसे जगह है, जब मैं ऐसा जाते बहुत लोग मर गया है, उसका शव उधर पड़ा है, शव उसका शरीर भी ऐसा टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा। उन लोगों को मैं छोड़ के वो नहीं देते, क्या होते उन लोगों को जाते हैं। उसी समय मैं दूसरा एक दोस्त को देखा, ये दोस्त को मैं बोलता हूँ मेरा शादी हुआ, सपना में मेरा शादी हुआ, लेकिन ईश्वर ने क्या बोला, शादी नहीं करना। देखो ईश्वर का आदेश छोड़ के दूसरे रास्ते में गया। उसके बाद में दूसरा अत्याचार के बारे में भी मैं दिखाया, अत्याचार मेरा एक भाई का मरण दिखाया सपने में। उसी समय मैं ईश्वर को बोला, ईश्वर मुझे माफ कर दो, मैं आपका रास्ता छोड़ के गया, मेरे भाई का मरण के बारे में मुझे दिखाया था पहले, ईश्वर हमारे परिवार में हमको चुना, कभी कभी कुछ बुरी बातें होने के पहले ईश्वर हमें दिखाते, तुम प्रार्थना करो तुम प्रार्थना करो, अगर तुम अच्छी तरह प्रार्थना करेगा सब कुछ बदली हो जाएगा, लेकिन हम अनुसरण नहीं करते, हम अनुसरण नहीं करते, शैतान के रास्ते में जाते। उसी समय ईश्वर ने मुझे दिखाया, जो रास्ता में तुम जाते वो रास्ता अच्छा नहीं है, छोड़ के वापस आओ, वो तुम्हें मैं चुन लिया, बहुत लोगों को ये बहुत आत्माओं को रक्षा करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं ईश्वर को बोला मुझे क्षमा कर दो, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, प्रभु हमें चुना है, मेरा समय अभी पूरा, प्रभु हमें
सबको चुन लिया। किसके लिए? बहुत लोगों को हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे सुसमाचार द्वारा, हमारे मुख द्वारा, हमारे सहायता द्वारा यीशु के पास लाने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। ये काम करना हमारा, आलस्य में ऐसा तो नहीं बैठना। आलस्य में बैठेगा तो यीशु ने एक दिन पूछेगा, तुम्हें इस काम दिया, तुम क्या क्या किया? वो जो मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए बुलाया, हालेलुया, दूसरे के लिए प्रार्थना, पहले क्या करना? मध्यस्थ प्रार्थना करना, हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, मेरा समय पूरा हो गया इसलिए बोलते, ये जगह आपके लिए खुला है, डिवेन भजन आश्रम। हर महीने शिविर है, पहले हफ्ते में रविवार से शिविर है, हर शनिवार का प्रार्थना है। लोगों को लाओ, 5 लोग 10 लोग, उन लोग इधर आके प्रार्थना करके छुटकारा मिलके, उनका आत्मा को भी मुक्ति मिलना, वो पापों से मुक्त होना, उन लोगों को ईश्वर के साथ रखने का रखने के लिए हमको चुना। इसलिए हम क्या करना, हम ऐसा ऐसा आलस्य में नहीं बैठना, दूसरों को भी लाना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना भी करना, इधर आप लोगों को किसी को 10 दिन और 1 महीने इधर आके मध्यस्थ प्रार्थना करने के, ये अभी 3-5 जन इधर रहते हैं, वो 4 लोग इधर देखो, ये बैठते हैं ना पीछे, वो ग्रेसी, वो सिस्टर लोगों को आने बोलो, तुम उधर बैठो, तुम जाके बैठो, इन लोगों सबको दिखाना। देखो 4 लोग केरल से आया, ब्रदर थॉमस पॉल के साथ, उन लोगों को अब लोगों के लिए थोड़ा दिखाना मुझे, इसलिए हमारा टीम भी आओ, वो रोसलिन ग्रेसी, वो जैसी, वो तुम लोग भी आओ, आओ 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 आओ, सब लोग आओ। हाँ सब लोग आओ, थोड़ा इन लोगों को दिखाना, आप लोगों के लिए सेवा करने वाले लोगों को, आ गया वो इधर आओ आओ। दूसरा कहाँ? नहीं इधर, हाँ ओके आओ। देखो सबसे पहले जो वीडियो शूटिंग करते वो, उसका नाम शाहजी है, वो अभी ये इसका पत्नी है, 25 कितना साल, इतना वर्ष है, हाँ 27 साल से प्रभु का सेवा करते, थॉमस पॉल के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन लोग 40 दिन उपवास करके आप लोगों के लिए प्रार्थना, 40 दिन खाना भी कुछ खाना तो नहीं किया, थोड़ा पानी और थोड़ा पीने वाला कुछ लेते थे, लेकिन इधर मैं देखा 40 दिन उपवास किया, आप लोगों के लिए प्रार्थना किया, मध्यस्थ प्रार्थना किया, आपका परिवार के लिए, सबके लिए मध्यस्थ प्रार्थना किया, त्याग करके ये 10 दिन पूरा वो उधर हमारा मोती मेरी, आओ 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 ओके, वो भी हमारा मध्यस्थ प्रार्थना करते इधर, ये तीनों भी इधर सेवा करते, इधर आया शिविर से भी प्रभु स्पर्श किया, वो इधर मध्यस्थ प्रार्थना और सब कुछ सहायता करते। इधर देखो वो डांस भी ऐसा यीशु को सेवा बहुत खुशी से करते, देखो हंसते हैं ना, खुशी से प्रभु का सेवा करते, इन लोग देखो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने आप लोगों को भी मौका दिया है, अगर थोड़ा आके मध्यस्थ प्रार्थना करना, प्रभु का सेवा करना, तुम्हारे पारिश में भी, पारिश के लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना करना, उधर पारिश में भी सेवा करना, वो फादर जी के साथ, वो दूसरा गांव गांव जाके प्रभु का सुसमाचार, जो लोग आलस्य में बैठते हैं सोते हैं, उन लोगों को कुछ लोग जाके बुलाना, आओ आओ करके, तुम जाके बुलाएगा आएगा, समझ में आते? उन लोगों को कुछ लोग, इस लोग ये मध्यस्थ प्रार्थना करते, वो दूसरा दुनिया के कौन जाओ, दुनिया के कोने कोने में बहुत लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते, हालेलुया, लोगों को थोड़ा ताली बजा के धन्यवाद दे दो, हालेलुया।
हालेलुया, आपको भी यीशु बुलाते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना करना हमारे गांव के लिए, हमारे पल्ली के लिए और सारे दुनिया के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इधर थोड़ा शक्ति मिलना, आपको पावर हाउस है, इधर हमको शक्ति मिलता है डिवाइन वजनाश्रम से। वो घर में प्रार्थना करने में थोड़ा तकलीफ होते, खड़े हो जा, तुम खड़े हो जा, इसने बोला घर में प्रार्थना करने में थोड़ा तकलीफ, इधर आओ, चार्ज करके जाओ, एक हफ्ते दो हफ्ते आके हमारे साथ प्रार्थना करेगा तो हमको भी शक्ति मिलते है। हालेलुया, शिविर में आते, शिविर में रहेगा, शक्ति मिलते है। हालेलुया, तुम यरूशलेम छोड़ के नहीं जाओ जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, कभी कभी अभिषेक कम होते, इधर आओ, शिविर में आओ, दूसरों के भी लाओ, इधर थोड़ा दिन रात, इन लोग दिन रात प्रार्थना, 24 घंटा प्रार्थना, दिन रात, दिन तो नहीं रात में भी ऐसा। हालेलुया, लेकिन सो सकते हैं, 4 घंटे के बाद सोते फिर भी आते ऐसा ऐसा, हा? पूरा 24 घंटा तो नहीं, वो एक जन जाएगा दूसरा आते ऐसा। हालेलुया, इसलिए प्यारी भाइयों बहनों, आप लोगों को ये डिवाइन वजन आश्रम खुला है प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। शिविर में भी लोगों को लाओ, 5-10 लोग। मैं अभी आपका पाम्फलेट देगा अगले शिविर का, वो ब्रदर थॉमस बोल भी रहेगा। ये सेमिनार है ये 2 दिन का, लेकिन वो शिविर है, रोग मुक्ति छुटकारा का शिविर है। तुम लोग इधर से वापस जाके वो 5-10 लोगों को इधर भेजना, तुम भी आओ उनके साथ ऐसा। हम इधर आपके लिए खोला, लेकिन लोग कम आते, लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा सेवा करना। धन्यवाद। एक गीत हम सुनते ये मैं हूँ यहाँ, ये ईश्वर देखते कौन मेरे लिए जाएगा। ये यीशु पूछते, बहुत लोग बंधन में है, शैतान का बंधन में है, ईश्वर पूछते कौन मेरे लिए जाएगा। आप जाएगा है क्या, जाएगा? हाँ, अंत में पूछेगा, तुमको वरदान दिया क्यों दूसरों को नहीं बोला। अभी हम लोग बोलते मैं हूँ, अभी ये पोस्टर देगा सबको, एक एक में देगा, ज्यादा ये पोस्टर देके हमारे शिविर में भी लोगों को भेजना। हमको अब लोगों को सहायता चाहिए, लोग कम होते आते, शैतान बंद करके रखा है, इसलिए ये पोस्टर सबको एक एक मिलते, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिल जाते। पारिश में भी एक पोस्टर डालना, वो सब स्टेशन जगह सग दे दो, एक मिनट आशीष दे दो। ब्रदर थॉमस पॉल भी है इस शिविर में, इसलिए तुम जाके दूसरों को भी बोल के लाओ। गीत गाओ।